नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक रोबोटिक और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हर्निया ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हर्निया का ऑपरेशन ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो लगभग सेम ही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी हर्निया सर्जरी जो एक एडल्ट में की जाती है, उसमें ज़्यादातर केसेस में हम लोग एक जाली यानी एक मेश डालते हैं, और ये मेश को बॉडी के साथ अटैच होने में यानी कि चिपकने में कुछ टाइम लगता है। ये टाइम 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि 2 से 3 महीने आप हैवी वर्क ना कीजिए। हैवी वर्क का मतलब है कि जैसे एक हैवी वेट को उठाना, या कोई जिम ज्वाइन करना, या बाइक पे किक लगाना जिससे आपके एब्डोमिनल मसल्स पे जोर पड़े। इसके अलावा कब्ज होना, यानी मोशन पास करते हुए आप पेट में जोर लगाएं, वो भी हानिकारक है। यूरिन की प्रॉब्लम होना, एल्डरली मेल्स में प्रोस्टेट की वजह से बहुत सारे लोगों को यूरिन पास करते हुए जोर लगाना पड़ता है, और अगर ऐसा है तो इस चीज़ को ऑपरेशन से पहले ही ठीक कीजिए डॉक्टर की मदद से, या तो दवाई लीजिए। ज़्यादा दिक्कत है तो प्रोस्टेट की सर्जरी पहले करवाइए, ताकि हर्निया के ऑपरेशन के बाद यूरिन पास करते हुए आपको जोर ना लगाना पड़े। थर्ड थिंग इज़ कि क्रॉनिक कफ ना हो, यानी बार बार आपको खांसी ना हो जिससे भी पेट पर जोर पड़ता है और हर्निया दोबारा होने का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल, इनसे भी हर्निया दोबारा होने का रिस्क बढ़ता है। ख़ास तौर पर सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग से आपके जो कॉलेजन टिश्यू हैं, यानी वो टिश्यूज़ जो बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, वो कम हो जाते हैं और हर्निया दोबारा होने का रिस्क बढ़ता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। अगर आपको शुगर है तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखिए। अगर उसका कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा तो हर्निया में इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, और अगर एक बार मैश में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा वेट वाले इंडिविजुअल्स में भी हर्निया दोबारा होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पहले कुछ दिनों में डॉक्टर्स आपके जहाँ पे हर्निया की सर्जरी हुई है वहाँ पे हो सकता है कि कोई ड्रेसिंग लगाएं, या आपको कुछ बेल्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर दें जिससे उस पर प्रेशर पड़ा रहे। तो अगर ऐसा कुछ एडवाइस किया गया है तो उसे अच्छे से फॉलो कीजिए अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। हो सकता है ये 1 वीक से लेके 2 मंथ्स तक एडवाइस किया गया हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा हर्निया है, कि उसका कितना साइज़ है और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। इन बेल्ट्स का मतलब होता है कि आपको उस पार्ट पर प्रेशर बना के रखा जाए ताकि उसमें कोई और फ्लूइड या पानी भरने का चांस कम हो जाए और आपको पेन भी कम हो। सो ये सब चीज़ें जैसे एडवाइस की जा रही हैं उसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अपनी डाइट अच्छी रखिए, प्रॉपर खाना खाइए, हाई प्रोटीन और हाई विटामिन सप्लीमेंट्स ये सब अच्छे से लीजिए ताकि हीलिंग अच्छी हो। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद अपनी डाइट कम कर देते हैं, बहुत सादा खाना खाते हैं, चपाती नहीं खाते, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और जैसा हमने कहा कि कॉन्स्टिपेशन हर्निया के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड कीजिए जिससे आपको खांसी होने का खतरा हो, जैसे कि बाहर से कोई खट्टी चीज़ जिससे गला ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि कफ ना हो और हर्निया दोबारा होने का रिस्क ना बढ़े। आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि पार्क में वॉक करना, अपना डे टू डे एक्टिविटी करना, ये सब कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा रेस्ट करने से भी कोई एडवांटेज नहीं है। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे या सेकेंड फ्लोर पे मकान है तो आप धीरे धीरे स्टेयर्स भी क्लाइम कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ स्टार्ट वाला स्कूटर चलाते हैं या एक लाइट कार चलाते हैं जिसमें क्लच ब्रेक बहुत हैवी नहीं है, तो वो भी आप कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये इसमें ज़्यादा जोर ना लगे और बहुत सारे झटके ना लगे, ताकि आपको पेन ना हो और हर्निया दोबारा होने का रिस्क ना बढ़े। इसके अलावा जिम जाने को अवॉइड कीजिए। 2 से 6 महीने तक हम लोग अवॉइड करते हैं। अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आपको किस तरह का हर्निया था, क्या साइज़ था, और उसमें कितनी देर हम जिम की एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर सिंपल हर्नियाज में बेड रेस्ट एज सच एडवाइजेबल नहीं होता। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हर्निया नहीं है तो हम सेम डे इवनिंग ही पेशेंट को बोलते हैं कि बेड से उतरिए और बाहर वॉक कीजिए। बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट भी एक तरीके से बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल होता है,
और आप अपने सर्जन से डिस्कस कीजिए कि क्या आपको वाकई बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो अपनी प्रॉपर नॉर्मल एक्टिविटी बनाए रखिए, इससे भी हर्निया को हील करने में मदद मिलती है। जितना जल्दी आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, उतना जल्दी ही आप बेटर फील करेंगे और आपकी रिकवरी फास्ट होगी और आप अपने काम पर जल्दी वापस जा पाएंगे। आजकल लैप्रोस्कोपी की मदद से और रोबोटिक सर्जरी की मदद से चीज़ें इतनी बदल गई हैं, रिकवरी इतनी फास्ट हो गई है कि विद इन अ फ्यू डेज ही पेशेंट्स अपने काम पे लौट सकते हैं। हर्निया बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे हर्निया से लेके बड़े बड़े हर्नियाज होते हैं और बॉडी में अलग अलग जगह पे डिफरेंट हर्नियाज होते हैं। तो ये जो वीडियो है इसे आप एक जनरल गाइडलाइन ही लीजिए और अपने डॉक्टर से भी सलाह कीजिए कि आपके पर्टिकुलर केस में कितना रेस्ट ज़रूरी है और क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो हमने नहीं बताई, तो ज़रूर उनसे सलाह कीजिए और प्रॉपरली फॉलो कीजिए। थैंक यू।